मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोच न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं चानन प्रखंड के हाई स्कूल में, जो तमाम हमारे सर जी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ शिक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सर के द्वारा ही जानना चाहता हूँ कि क्या ये ट्रेनिंग है और इसके बारे में क्या समाज को हित हो सकता है। मैं सर के द्वारा ही जानना चाहता हूँ और ये वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र साधन प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो कि जनता लोग भी जाने कि ये क्या प्रशिक्षण जो है, इससे क्या समाज को हित हो सकता है। ये मुख्य रूप से विद्यालय के बच्चों को प्रशिक्षित करना है, लेकिन विद्यालय के बच्चों के माध्यम से ये सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो समाज तक सुरक्षित करने का बात करता है। बच्चे जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे ही समाज से जुड़े बच्चे हैं, वो जागरूकता लाएंगे समाज में, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं हम सुरक्षित हो पाएंगे। अभी जो है सर, आपके साथ जो है कितने शिक्षक जो है प्रशिक्षण में आए हुए? ये गैर आवासीय एक दिन का प्रशिक्षण है, लेकिन सभी चैनल ब्लॉक के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, तो ये 6 से 11 तक ये प्रशिक्षण चलेगा और यहाँ 2 पाली में 2 समूहों में शिक्षकों को बांट के प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर सर ये बताइए सर कि अभी जो है इससे समाज के लिए संबंधित समाज को सर इसमें क्या समाज क्या इसके बारे में क्या जानेगा, उनको क्या जानकारी देना चाहिए सर, प्रशिक्षण हो रहा है समाज के लिए हित क्या होगा? जैसे आपदा जी और जोखिम, ये 2 बातें होती है। आपदा जो 2 ढंग का आपदा होता है, मानवजनित एक प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जो आपदाएं आएगी उसको हम जान नहीं पाएंगे, पूर्वानुमान भी लगाया नहीं जा सकता है। जैसे भूकंप हुआ आ गया, तो कम से कम उस आपदा से जो लॉस हुआ, उस लॉस को हम लोग कम करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे प्रशिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भी जो जोखिम है या आपदा आया उसको कम करने का प्रयास बच्चे के माध्यम से होगा। सर और हमारे साथ एक सर है, मैं उनसे भी थोड़ा सा और जानकारी देने का प्रयास करूँगा। सर थोड़ा आप आओ बताइए सर विस्तार में कि इसका सर इससे क्या समाज को हित हो सकता है और समाज में जो बच्चे लोग हैं उनको भी ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि सिर्फ शिक्षक को ही मिलेगा? आपदा प्रबंधन विभाग शिक्षा विभाग के साथ समझौता किया है कि विद्यालय के बच्चे यदि आपदा प्रबंधन के बारे में जान जाते हैं तो अपने समुदाय को जागरूक कर दें। इसलिए यह सरकार के द्वारा जो 15 साल का रोड मैप तय किया गया है, 2015 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम और यह 2030 तक चलेगा। पहले एक फोकस शिक्षक हुआ करते थे जो शनिवार के दिन आपदा के बारे में विस्तृत चर्चा करते थे, बाढ़, भूकंप, आगजनी, सड़क रेल दुर्घटना, शीतलहर, लू इत्यादि संबंधी हम लोग अपने विद्यालय में शनिवार के दिन सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम आयोजित किया करते थे। और अब सरकार का आदेश है कि विद्यालय के सभी शिक्षक प्रशिक्षित होकर अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर उन्हें जागरूक कर देंगे और बच्चे हमारे समुदाय से आते हैं और वो अपने समुदाय को जागरूक करते हैं। यही देश है प्रशिक्षण का मुख्य, कि हमारा समुदाय जागरूक हो जाए और आपदा से जान माल की होने वाली क्षति को नगण्य कर सके, शून्य कर सके। साथ में आपने देखे कि यहाँ पे जो है आपदा के लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि हमारे तमाम शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुछ यहाँ पे फोटो भी दिखाना चाहता हूँ, तमाम शिक्षकों को, सब शिक्षक का ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकी हम मिलते हैं।